हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन और चने की दाल से बनी बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। आप एक बार मेरे तरीके से बना कर जरूर देखिएगा, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि चने की दाल और सोयाबीन में दोनों में प्रोटीन पाया जाता है। और वैसे तो बच्चे दाल खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन इस रेसिपी को खिलाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने सोयाबीन लिया, जिसको कई जगह पे सोया बड़ी भी बोला जाता है और न्यूट्रिला भी बोला जाता है। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलना। वेट ने मैंने 100 ग्राम लिया है, जिसको मैंने गर्म पानी में डाल के हल्के से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे अगर आपके पास गर्म पानी ना हो तो आप इसको नॉर्मल पानी में भी 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब भी अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया है चने की दाल, जिसको मैंने सोख करके लिया यानी भिगो के लिया है। चने की दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में डाल के रखा था, अच्छे से फूल गई है। और जब आपकी दाल और सोयाबीन अच्छे से फूली होगी तो रेसिपी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कितनी दाल ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 कटोरी दाल लिया है, जो वेट ने मुश्किल से 100 ग्राम है, और 100 ग्राम ही हमारी सोया बड़ी है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और अब इसके अंदर अपनी चने की दाल को और सोयाबीन को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ी सी सोयाबीन को बचा लेना है, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, अलग रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आधी सोयाबीन को निकाल लेती हूँ, उसको मैं बाद में यूज करूंगी, गार्निशिंग के लिए बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। और बाकी सोयाबीन और दाल को मैंने इस तरीके से डाल दिया है प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना पाएंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ये चने की दाल का छिलका है, उसको हम निकाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बूंद ऑयल, इससे क्या होगा दाल बहुत ही अच्छे से गलेगी और बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा दाल का। फिर 1 इंच का अदरक लिया, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका नहीं उतारा है, छिलके के साथ डाला है, जिसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हमने लिया है गार्लिक यानी लहसुन, तो लहसुन मैंने 5 कलियां लिया है, जिसको मैंने छिलके के साथ ही लिया है, छिलके में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, जो मैं 3 डाल रही हूँ। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे पानी, पानी कितना ऐड करना है 1 बड़ा कप ऐड करेंगे, फिर इसके बाद 1 छोटा कप ऐड करेंगे, यानी 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। अगर आप नापेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब उंगली डालें तो आपकी उंगली का जो 1 भाग होता है, ये जो 2 होते हैं इसको छोड़ के जो पहला वाला भाग होता है वो इतना डूबे, बस इतना पानी रखना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके कम से कम 2 सीटी मारेंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है, जो पहली सीटी होनी चाहिए वो हाई फ्लेम पे होनी चाहिए और दूसरी सीटी हमारी लो फ्लेम पे होनी चाहिए। तो चलिए इसको 2 सीटी मारने के लिए रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे जब तक इसमें प्रेशर लगेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद ना इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, और इसी के साथ हम इसमें 2 तेज पत्ते को इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे। गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ, तो 1 चम्मच जाएगी इसके अंदर मोटी वाली सौंफ। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा हमारा जाएगा सौंफ का आधा यानी 1/2 टीस्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, तो यहाँ पे देखिए सीटी आ चुकी है, अब इसको हम धीमा कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें 3 डालेंगे लौंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, दूसरी सीटी भी आ गई है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हम मसालों को धीमी धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ ताकि टाइम की बचत हो और आप भी दोनों चूल्हों का यूज़ करके फटाफट रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं 10 से 15 सेकंड मसालों को भून लेना है। भूनने से 2 फायदे होते हैं, एक तो जो इसका फ्लेवर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरी बात जो मसाले की मॉइस्चर होती है मसाले की वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले अच्छे से भून गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। बस हमें इसको काला नहीं करना है, मसालों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दाल भी ठंडी हो रही है, मसाले भी ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या
बना लिया है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, कच्चा आलू, और आप इसको हम फटाफट छील लेंगे। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। आलू डालने से रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, लुक भी आएगा, और आलू बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर आप आलू नहीं खाते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ सोयाबीन और चने की दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर एक बार आलू जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो सिर्फ एक आलू जा रहा है, ज्यादा आलू नहीं डालेंगे। तो अगर आपके पास उबला आलू हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू को देखिए मैंने फटाफट छील लिया है, और अब इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे कट करते समय आपको ख्याल रखना है कि इसको पानी के अंदर ही कट करना है, क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी काला हो जाता है। और इसको इस तरीके से बीच से डिवाइड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इस तरीके से फोर भाग में डिवाइड करेंगे, और इसके इस तरीके से मोटे मोटे से क्यूब्स कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया। आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुके हैं और सारा स्टार्च निकल चुका है। चलते हैं रेसिपी को बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तो इस रेसिपी को हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो तेल को लेते समय आपको ख्याल ही रखना है कि सरसों का तेल जो होता है उसमें कड़वापन होता है, तो इसीलिए हम सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो बबल दिख रहा है ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। अगर आपका तेल कच्चा होगा तो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो थोड़े से सब्र के साथ काम कीजिए, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल देखिए यहाँ पे गर्म होना शुरू हो गया। अब गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे, और मीडियम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो आलू तुम्हारा था उसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए बबल जो था वो खत्म होने की कगार पे आ चुका है। जब बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा तभी हम डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, ये देखिए खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम अपना आलू डाल देंगे, और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आलू डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे 10 से 15 सेकेंड, ताकि आलू पर एक बहुत ही अच्छे सा सुनहरा सा कलर आ जाए और एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। तो यहाँ पे आलू को इस तरीके से करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इनहेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए आलू हल्के हल्के से इस तरीके से होने लगे हैं गोल्डन, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सुनहरा करके लेंगे। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा आलू को इस तरीके से कर लेंगे, यानी सुनहरा करने में। तो यहाँ पे आलू देखिए हमारे हल्के से होने लगे। तब जो हमने सोया बड़ी निकाल के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और अब हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे, और फुल फ्लेम पे अच्छे से 10 से 15 सेकंड इसको और लाल करेंगे, ताकि सोया बड़ी भी बिल्कुल अच्छे से सुनहरी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज़ हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है, हल्की हल्की से इसमें लेयर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब वापस से हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे 2 चम्मच, और तेल को वापस से अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है, तो तेल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया, बिल्कुल अच्छे से जब धुआं निकलने लगेगा तब इसके अंदर डाल देंगे प्याज, एक मीडियम साइज की प्याज जो हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को चीज कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग डालेंगे, चौथाई चम्मच तक हींग जरूर डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छे से इनहेंस होगा। फिर इसके बाद हम इसमें चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, जिसको मैंने इस तरीके से कूट के लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। और अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड हमें इसको भूनना है। यहाँ पे हमें प्याज को लाल नहीं करना है और ना ही काला करना है। अगर हम प्याज को लाल कर देते हैं तो प्याज की जो स्वीटनेस है वो खत्म हो जाती है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी लाइट सी पिंक हो गई है, बस इतना पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसके ना मैंने बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाला है। यहाँ पे आप लाल टमाटर लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं देसी टमाटर ले रही हूँ तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका फार्मी टमाटर है तो आप इसमें 3 टमाटर डालना, क्योंकि वो कम खट्टा होता है। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और टमाटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसे डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, जो मेरा होम मेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर चाहे तो आप हरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने मसाले में भी एक लाल मिर्च को पहले से ही रखा है भून के, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं डालेंगे।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक का टेस्ट आप अपने हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया क्योंकि हमारी दाल में ही नमक था, इसीलिए हमने कम डाला है। अब हमें यहाँ पे इसको 2 से 3 मिनट छोड़ देना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। यहाँ पे जो हमारे मसाले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ना ही कोई और चीज डालनी है। अब इसको हम कवर करके 1 से 2 बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे और दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया, इस तरीके से मैंने इसको दरदरा रखा है। यहाँ पे आप इसको दरदरा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब जो मसाला हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। 10 से 15 सेकंड इसको भूनेंगे क्योंकि मसाला हमारा भुना हुआ है, इसीलिए ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जो आलू और सोयाबीन हमने रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच दही, जो गाढ़ा और खट्टा दही होना चाहिए। और दही डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि अगर आप लो रखेंगे तो दही फट जाएगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाते हुए 10 से 15 सेकंड भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा जाए और जो दही है अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे क्रीम डाल सकते हैं या फिर ड्राई आम की पाउडर यानी कटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मूँगफली का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से भूना है और देखिए 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल अच्छे से घी ने सॉरी दही ने अपना घी छोड़ दिया है। और यहाँ पे इस तरह से आपको इसको भून के ही लेना है। अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। जब बिल्कुल अच्छे से कुकर खुल जाए तभी खोलना है। और आपको मैं दाल को चेक करा देती हूँ। ये देखिए दाल और सोयाबीन बिल्कुल अच्छे से पक गया है। दाल ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है, ये देखिए काफ़ी ज़रा जल रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ी सी दाल ले लेंगे। चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ दाल कितनी अच्छे से गली है। लेकिन यहाँ पे देखिए दाल हमारे इतनी भी नहीं गलाई है कि जब तक हम इसको हाथ से मैश कर रहे हैं तभी मैश हो रही है, ये नहीं कि अपने आप बिल्कुल भरता हो जाए, ऐसी दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें से थोड़ी सी दाल इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ी दाल इसके अंदर ट्रांसफर कर ली है, बाकी दाल और सोयाबीन को मैंने रख दिया है। अब दाल डालने के बाद 10 से 15 सेकंड हम वापस से इसको भूनेंगे। यहाँ पे लकड़ी वाले चम्मच का इस्तेमाल कीजिए जिससे दाल हमारी टूटे ना और लुक बहुत सुंदर सा आए। अगर आपके पास लकड़ी वाला चम्मच ना हो तो आप इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिलाएं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो ये गया हमारा हाफ टी स्पून तक कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा उसके अंदर डालेंगे जावित्री और जायफल का पाउडर जिसको मैंने हल्का सा पीस के लिया है। इसको डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। तो यहाँ पे डाल के हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये चीज़ें हमें लास्ट में डालनी है, अगर आप पहले डाल देंगे तो इसका टेस्ट भी नहीं निकल के आएगा और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको भूनने के बाद अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे आप ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जितनी आपको थिक चाहिए आप उतनी रख सकते हैं, जितनी आपको लिक्विड चाहिए आप उतनी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखा है तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपके पास धनिया ना हो तो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हम इसको एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो एक उबाल आ जाएगा तब तक इसको हम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी बची हुई सोयाबीन और दाल थी वो हमने बिल्कुल अच्छे से ठंडी कर ली और ठंडी करने के बाद ही इस्तेमाल करना है, गर्म नहीं इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे बड़ा वाला मिक्सी का जार होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे और ठंडा करने के बाद ही ट्रांसफर करना है, गर्म नहीं ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे जो हमने अदरक और लाल मिर्च और लहसुन रखा था वो भी इसके अंदर ही डाल दिया है, कुछ भी निकाला नहीं है। और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से 1 से 2 बार चलाकर मिक्सी को इसको दरदरा पीसेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको मैंने पीस लिया, इस तरीके से दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसा है और बिल्कुल अच्छे से ये पीस जाता है। अब इसको एक बड़े साइज के बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा गीला है लेकिन अभी दाल हमारी हल्की सी गर्म है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च डाली है मैंने, लाल मिर्च नहीं डाली है। फिर इसके बाद मैंने 1 चम्मच सौंफ को इस तरीके से भून के हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे
एक इंच का अदरक जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, एक मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट करके लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे एक चम्मच का आधा यानी आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं डालने हैं। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं डालना है। और अब हम हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपका होना चाहिए चिपचिपा सा, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेक्स्चर आएगा हमारे कबाब में, बिल्कुल मुंह में मेल्ट होने वाले गुलाटी कबाब बनेंगे, वो भी वेज। अगर आप लोग नॉन वेज नहीं खाते तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कबाब का ये वेज कबाब। एक बार खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए हाथ को वॉश करने के बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। आलू को आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से आलू के अंदर हम चम्मच डाले तो आलू बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है, यानी आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। यहाँ पे सब्जी को टाइम नहीं लगता है पकने में क्योंकि चने की दाल हमने बॉईल करके डाली है। आलू और सोयाबीन को भी हमने हल्का सा भून लिया था, 50% वैसे ही कुक हो गए थे। यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसको पराठे वगैरह के साथ खाने के लिए रखी है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रखा है। तो इस तरीके से आप सब्जी बना के बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ मेहमान आए, आप एक तरीके की सब्जी उनको सर्व करके परेशान हो चुके, तो नए तरीके की सब्जी बनाइए। ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, प्रोटीन से भरपूर है, हेल्दी है। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी? आप इसे किसके साथ एंजॉय करेंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं तो इसको पराठे के साथ एंजॉय करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी को थिक रखा है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, या फिर चपाती के साथ, या फिर राइस के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक रखी है, ये देख लीजिए कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर आया है। तो चलिए सब्जी को साइड में रख देते हैं और अब कबाब बनाते हैं। तो अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोहे का तावा लिया है, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, लेकिन तावा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा भी लेंगे और इस तरीके से हम मिश्रण को उठाएंगे। मिश्रण हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट है तो हमें इसको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमें इस तरीके से गोला बना के इसको चपटा कर लेना है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, या फिर आप इसको सिलेंडर का शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको शीक में लगा के शीक कबाब भी बना सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये जो कबाब है, ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से फैला लेना है तावे पे इस तरीके से। तो यहाँ पे लोहे का तावा लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे तावे पे तेल को फैला लेंगे, केयरफुली फैलाना। ये देखिए अब जो गैस का फ्लेम है वो हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इस तरीके से अपने कबाब को डालेंगे। तो एक बार में उतना ही डालना जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो, और इसका साइज आप अपने हिसाब से बड़ा और छोटा रख सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा मोटा मत बनाना, इस बात का ख्याल रखना कि मोटे कबाब नहीं अच्छे लगते। तो एक बार में मैं सिर्फ 4 डालूंगी, आप चाहें तो 5 से 6 डाल सकते हैं अगर तावा बड़ा है। नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल मत करना, उससे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, उसी तरीके से आप भी डालिए। ये कबाब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बस इसका जो डो होना चाहिए, यानी आप डो बोल लीजिए या मिक्सर बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने में। अब इसको 2 मिनट के लिए सिक जाने देंगे धीमी धीमी आँच पे, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है कबाब को पकते हुए, अब हम इस तरीके से इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर रेडी होते हैं, ये देखिए। और अब इसको हम दूसरे साइड से 2 मिनट पकाएंगे, टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसको खा के मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको धीमी धीमी आंच पे दूसरे साइड से पकाते हुए, अब हम अपने कबाब को निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़रा सॉफ्ट बने हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और बाकी मैं मिश्रण रख दूंगी, बाद में बनाऊंगी, पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुके हमारे मज़ेदार से कबाब, देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। कबाब बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बने हैं, देखिए इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए।
और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में मेल्ट होने वाले बने। ये देखिए चम्मच लगा रहे हैं इस तरीके से, कबाब बिल्कुल टूट के आ रहा है चम्मच में, इतना जरा सॉफ्ट कबाब रेडी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है तो आप इस कबाब को एक बार मेरे कहने पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब बने हैं और इस कबाब को आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। सोयाबीन और चना के ये कबाब हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, प्रोटीन से भरपूर है। आप इसे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको रोटी और पराठे, या फिर आप इसको लच्छे पराठे के साथ खाइए, आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक देना। आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये कबाब जितनी ज्यादा सॉफ्ट है उतनी ज्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, अपनी फैमिली वालों को देने। आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।